It's a combination of three words. Try. It's three. Goal means sides and metons. It means measure. Means trigonometry is making by three word, try, gone, metrons, means three side measurement. It means that trigonometry means a three side measurement. अब आप बोलोगे कैसे सर? तो सिंपल सी बात है, trigonometry के अंदर तीन साइड होती है, एक दो तीन, और दूसरा कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो कंपलसरी 90 होता है. कितना होता है? 90 डिग्री होता है. अब एक्चुअली क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहला यूज, मींस ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला यूज किसने किया था? आर्यभट्ट. आर्यभट्ट सबसे पहले यूज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया हुआ था. अब ये तो अब हिस्ट्री हो गई, इसका मतलब हो गया. अब इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, हम कहाँ पर यूज करते हैं, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बात करेंगे. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि थ्री साइड मेजरमेंट्स. अब थ्री साइड मेजरमेंट के लिए मीन्स तीन साइड होनी चाहिए. अब यहाँ पे क्या होता है, तीन साइड है, यहाँ पर मैं लेबलिंग कर देता हूँ ए बी सी. अब यहाँ पे एवरी साइड मीन्स ये साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस इसको अब ये साइड और ये साइड हमको वो डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. सपोज आप ये एंगल ले रहे हो तो ये एंगल का ये साइड कैसा होगा? अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड है. और ये इसका क्या होगा? एडजेसेंट साइड होगा, ये इसका एडजेसेंट होगा. अब इट मींस दैट के अगर ये अगर एंगल ले रहे हैं थीटा, तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका एडजेसेंट, और ये हाइपोटेन्यूस. ओके, सेम थिंग अगर हम ये एंगल ले तो क्या होगा? चलो देखते हैं, फिर से इसको निकाल देते हैं तीनों तीन. ओके, वापस इसको तो सेम हम क्या बोलेंगे, अगर थीटा ये एंगल लेंगे हम थीटा वर्ड से डिफाइन करते हैं. कोई भी एंगल होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? थीटा. ऐसे एक्चुअली कोई फिक्स नहीं है कि थीटा, वो डिपेंड होता है कि जो मैथमेटिशियन है कौन सा प्रिफर करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है. तो यहाँ पर थीटा यूज करते हैं जो ग्रीक वर्ड है, और हम थीटा वैसे डिफाइन किया जाता है. ओके, थीटा अगर मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, अगर ये एंगल ले लूंगा तो यहाँ पे कौन से साइड को क्या बोलेंगे हम देख लेते हैं. इसको तो हाइपोटेनियस ही बोलेंगे, ये तो कोई ये ऑलवेज सेम ही रहेगी हाइपोटेनियस. फिर इसका अपोजिट एंगल कौन सा? ये है, तो मीन इसका अपोजिट मीन सामने वाला, तो मीन ये क्या होगा? अपोजिट, और ये एडजेसेंट एंगल. ओके, ये हमारा एडजेसेंट हो गया. तो मीन होगा क्या, अगर आप एंगल चेंज करोगे तो आपका साइड भी चेंज हो जाएगा. ओके, अब दूसरी बात, ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर कभी ये एंगल हो तो ये एंगल हो तो ये पर. और दूसरी बात क्या है कि एंगल कंपासी यहाँ पर कितना होना चाहिए? 90 ही होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? 90. अब ये ओरिजिनल पॉइंट, ये फायदा क्या है इसको, ये इक्वेशन यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसको यूज हम कहाँ पे करते हैं, पहले आप बता दूँ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. ओके, यहाँ पे ये मेरा एक गार्डन है, ये गार्डन है, और गार्डन के अंदर मैं ट्री के ऊपर, ट्री के पास खड़ा हूँ. ये ट्री है, और ट्री हम ड्रॉ कर देते हैं. ओके, ये हमने ट्री बना लिया. अब हम करेंगे क्या कि हमको एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री यूज किसके लिए होता है? सिर्फ दो चीज की, ज्यादातर दो चीज के लिए होता है, हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. किसके लिए होता है? हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है. अब हम ये देखो, मैं आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस यूज कहाँ पर होता है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री कहाँ भी होता है, और हम हाइट एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं. तो देखो, अब मैं यहाँ पे गार्डन में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब यहाँ पे एक ट्री है. अब मैं
मैं सोच रहा हूँ कि ट्री का हाइट कितना होगा। अगर ये ट्री का हाइट मुझे जानना हो तो मैं कैसे जानूंगा? तो सिंपल सी बात है, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का लॉजिक होना चाहिए। तो पहले अगर मैं बात कर लूँ कि इसके अंदर आपको ये मेजरमेंट आपको मिल जाएगा, ये मेजरमेंट आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपको एंगल फाइंड करना है। मीन्स यहाँ से आपको देख ऑब्वियसली ये एंगल फाइंड किया, तो देखो ट्राइंगल जैसा बन रहा है। तो ये ट्राइंगल के अंदर इसको हम अगर थीटा समझ ले, इसको अगर हम थीटा समझ ले और इसका मेजरमेंट हमारे पास हो, तो हम ये समझ, इसका मेजरमेंट है यहाँ पे 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर है तो हम इसका मेजरमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि थीटा कैसे मिलेगा, ये एंगल कैसे मिलेगा? तो आपको अगर समझना हो थोड़ा बड़ा प्रोटेक्टर चाहिए। प्रोटेक्टर आपको मालूम है सेमी सर्कल, जो ऐसा होता है सेमी सर्कल, उसको यहाँ पे रखो सेमी सर्कल। ये इतना बड़ा कभी होता ही नहीं सेमी सर्कल, पर ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेमी सर्कल रखो, इसका एंगल फाइंड करो और इसका एंगल मिल जाएगा। जितना भी मिले वो आपको मालूम नहीं कितना मिले, सपोज बाय चांस आपको मिल गया 45, बराबर। तो हम ये एंगल और ये डिस्टेंस, ये दोनों की हेल्प से इसका मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये एक बेसिक हमारा एप्लीकेशन हुआ कि भाई हम अगर गार्डन में खड़ा हूँ, मुझे ट्री का मेजरमेंट फाइंड करना है, कितना ऊंचा है ये ट्री, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये तो एक एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन की बात हुई। अब एप्लीकेशन क्या है वो भी आपको बोल दूँ। एप्लीकेशन मीन्स रियल लाइफ में हम जो यूज करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन ये हुई। दूसरी एप्लीकेशन होगी, सपोज मैं ऐसे समझ लूँ, ये एग्जांपल आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा कि सपोज एक लाइट हाउस है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक लाइट हाउस है और यहाँ पे एक बोट है, और यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है। अब सिचुएशन ऐसा है कि सिंपल सी बात है, बोट के ऊपर एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे लाइट हाउस है, बीच में ये सी है, बरोबर। अब ये बोट में जो कैप्टन होता है, बरोबर, ये कैप्टन को जानना है कि मेरा डिस्टेंस, मेरी बोट का डिस्टेंस और ये जो बीच पर यहाँ पे होता है लाइट हाउस, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो मेजर कर सकता है। कैसे? सेम टेक्निक, कोई चीज नहीं है ये। तो यहाँ से हम अगर उसको देखना हो तो यहाँ पे एक एंगल बनाना पड़ेगा उसके। अब ऑब्वियसली है कि एक प्रोटेक्टर तो वहाँ पे भी चाहिए, छोटा लो या बड़ा लो, जितना बड़ा होगा उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, जितना छोटा होगा उसका एक्यूरेसी कम होगा। तो एक छोटा सा प्रोटेक्टर लो या बड़ा सा प्रोटेक्टर लो, उसको मेजरमेंट करो। और ये हमारे अंदर क्या होता है कि लाइट हाउस जो होता है ना, उसका मेजरमेंट लिटिल बिट फिक्स्ड होता है। लाइट हाउस का मेजरमेंट लिटिल बिट फिक्स्ड होता है कि भाई यहाँ का डिस्टेंस इतना है, ये फिक्स्ड होता है। तब होगा क्या, सपोज हम इसको समझ ले ये है हमारा 20 मीटर, अगर ये 20 मीटर है और ये हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे कैप्टन खड़ा हुआ है वो मेजरमेंट इसका एंगल निकाल देता है। एक एंगल, एक मेजरमेंट, दोनों में से कोई एक मेजरमेंट हो तो हमको दूसरे का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमारा। अब हम होगा क्या, इसके पास ये थीटा मिल गया, ये 20 मिल गया, तो हम इसका डिस्टेंस यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो इट मींस दैट ऐसी तरह के प्रॉब्लम हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन से हथियार चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके लिए कौन से हथियार चाहिए, तो वो बहुत बात कर लेता हूँ। इट्स अ साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? तो उसके लिए हमारा अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन की बात अब बात करेंगे तो कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है कि एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अब लास्ट जो है हमारा बेसिक टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन
एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ये बेसिक तीन जो हमारे हथियार है जिसकी हेल्प से हम, ये तीन रेशियो है जिसकी हेल्प से हम इसका ट्री का हाइट फ्रॉम बोट टू मीन शिप टू बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे, तो उसको हम बेसिक धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे मैं समझाता जाऊंगा कि भाई ये हमारे यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काम है यहाँ पे ये काम है। ओके, अब ये तीन चीज है जिसकी हेल्प से हम, अच्छा अब अकेले ये तीन चीज नहीं और तीन भी है जिसको हम बोलते हैं कॉसेक, इट्स अपोजिट टू साइन, इसको यहां लिख देता हूं कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, इट्स अपोजिट ऑफ दिस एडजेसेंट साइड ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो मींस तीन ये और तीन। अब देखो इसमें एक सिमिलरिटीज मिली है, जो साइन थीटा का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है उसका ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होता है, ये आपको माइंड में रखना है। ओके, तो ये छह चीज जो है, ये छह रेशियो है जिसकी हेल्प से हम हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।